हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम मानव प्रहार, आप तक रहो हिंदी एक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने MI A2 के अंदर कैमरा 2 API को एनेबल करने के बाद GCam 700 का मजा ले पाओगे। सो हमारा जो MI A2 है दोस्तों, इसके अंदर आपको अलग से कैमरा 2 API को एनेबल करना पड़ेगा। कैमरा 2 API को एनेबल करने के साथ साथ दोस्तों, आप GCam 700 का मजा ले पाओगे। विदाउट कैमरा 2 API GCam 700 अपने MI A2 के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि इन डिफॉल्ट कैमरा 2 API एनेबल नहीं होता है हमारे MI A2 के अंदर। सो मैंने ऑलरेडी दोस्तों डिटेल में गाइड बनाया है किस तरह से आपने MI A2 के अंदर आप कैमरा 2 API को एनेबल कर सकते हो। सो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर चेकअप चेकआउट कर लीजिए। सो सिंपली इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं किस तरह से आप GCam 700 का मजा ले पाओगे अपने MI A2 के अंदर। कैमरा सैंपल भी शेयर करूंगा इस वीडियो के दौरान। सो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो जैसे देख पा रहे हो GCam 700 के यूजर इंटरफेस से, पहले मैं आपको यहाँ पर ऐप इन्फो में जाके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, GCam 700 का लेटेस्ट वर्जन है अभी के लिए जो अवेलेबल है दोस्तों। और यहाँ पर कैमरा हो गया, पोर्ट्रेट मोड हो गया, नाइट स्लाइट हो गया, एस्ट्रोफोटोलॉजी मोड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कोई भी शिकायत वाली बात नहीं है। वीडियो के अंदर आपको 30 FPS 60 FPS मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। फुल HD वीडियो और 4K वीडियो दोनों ही सपोर्ट करता है। पैनोरामा, फर्स्ट पर्सन, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, गूगल लेंस का तो सपोर्ट मिलता ही मिलता है। सो आपके सामने जल्दी से पोर्ट्रेट मोड वाली पिक्चर को क्लिक करके दिखाता हूँ। सो जैसे देख पा रहे दोस्तों, जो पोर्ट्रेट मोड वाली पिक्चर है बहुत ही बेहतरीन काम करती है। और यहाँ पर ऊपर HDR प्रोसेसिंग हो रहा है, और पोर्ट्रेट मोड जो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन काम करती है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर कोई भी शिकायत, सो बैक कैमरा के अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैक कैमरा इज कम्प्लीटली वर्किंग फाइन। एक चीज ध्यान देना होगा दोस्तों, आपका जो फोटो है दोस्तों कम्प्लीटली प्रोसेस हो जाने के बाद ही और कोई पिक्चर को आप क्लिक करना, वरना आपका जो गूगल कैमरा 700 है दोस्तों क्रैश हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको HDR प्लस मिलता है, HDR एनहांसमेंट मिलता है, जो कि काफी बेहतरीन काम करता है। यहाँ पर आपको दोस्तों नाइट स्लाइट मोड के अंदर एस्ट्रोफोटोलॉजी मोड भी मिल जाएगा, जो कि आप बहुत ही बेहतरीन से काम कर पाओगे। चलते सेटिंग्स के अंदर, आपको थोड़ा सा मैं अबाउट में जाकर दिखाना चाहूंगा। सो DMGC वर्सन 3.10 है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, MI A2 के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। तो आपको मैं सेटिंग्स थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको दोस्तों लोकेशन मिलता है, साउंड मिलता है कैमरा साउंड के लिए, फ्रेम रेटिंग मिल जाती है, सिर्फ सेल्फी सेल्फी मिलती है, सोशल शेयर मिल जाती है डायरेक्टली, आप गूगल कैमरा से दोस्तों कोई भी फोटोज को शेयर कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गेस्चर्स मिलता है, एडवांस के अंदर दोस्तों आपको HDR कंट्रोल मिलता है, रॉ इमेज का सपोर्ट मिल जाता है, चाहो तो 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो दोस्तों बैक कैमरा से, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है। ऑफकोर्स हमारा A2 जो है दोस्तों 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, 30 FPS के अंदर आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे। वीडियो के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर 4K के अंदर भी 60 FPS मिलता है, पर आई डोंट थिंक सो ये काम करेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको मिलता है एनेबल एस्ट्रोफोटोलॉजी मोड, सुपर रेजूम, और लेबोरेटरी के अंदर आपको मिलता है HDR एनहांस फ्रेम, एस्ट्रो मैक्स एक्सपोज टाइम और सैचुरेशन। इन फ्यूचर आपको इस चैनल के ऊपर गूगल कैमरा के रिलेटेड भी मिलेगा वीडियो, उससे अच्छा दोस्तों आपको कस्टमर रिलेटेड भी वीडियो मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, तो जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूंगा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। सो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी काम कर रहा है। पर वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, आप आपका जो स्टॉक MI का कैमरा एप्लीकेशन है उसे यूज कीजिए। 60 FPS के अगर मैं बात करूँ, 60 FPS के अंदर बहुत ही बेहतरीन तो काम तो करता है, पर इतना कुछ खास डिफरेंस आपको 60 FPS के अंदर नहीं मिलेगा। पर ऑफकोर्स आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्लो मोशन भी मिलते हैं दोस्तों, स्लो मोशन यहाँ पर काम नहीं करता है। ऑफकोर्स स्क्रीन में बताया, आपको यहाँ पर स्टॉक कैमरा यूज करना होगा अगर आप स्लो मोशन की यूज करना चाहते हो। आपको यहाँ पर जो टाइम लैप्स है दोस्तों वो मोड काम करता है, पर कुछ कुछ टाइम रीस्टार्ट भी हो जाता है। सो मैं आशा करूँ दोस्तों इस ऐप को पसंद आया होगा, जरूर से इस ऐप को ट्राई करना एक बार, एक बार के लिए इस ऐप को ट्राई करके देखिए। अगर आपको पसंद आया जरूर सो हमें कमेंट करके बताना। इन फ्यूचर आपको इस तरह की वीडियो और मिलते रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।